तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अमोल व्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा एक ऐसा स्थान पर हम लोग जाने वाले हैं जो मोस्टली गोवा में आपको बहुत सारे देखे होंगे। जो गोवा में बहुत सारे खूबसूरत से बीच है, उन्हीं में से यहाँ भी एक बहुत ही खूबसूरत सा बीच है जिसका नाम है बेनौलिम बीच, जो मोस्टली पॉपुलर है और देश और विदेश से भी बहुत सारे पर्यटक यहीं पर बहुत सारे आते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे पैराग्लाइडिंग, पैरास्लाइडिंग और बोटर राइड्स, डॉल्फिन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बीच पर हम लोग आज जाएंगे और पूरा नज़ारा आप खूबसूरत सा सीन्स आपको दिखाएंगे। एंड टुडेज यू विल बी दिस बेनौलिम बीच, देन यू टेल मी कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब विल बी लाइक्स बेल आइकन घंटी ऑल द क्लिक एंड यू विल बी ऑल्सो विल वॉच द फुल स्टार्ट टू एंड वीडियो, वॉच टू फुल वीडियो। Okay, so you will be come to here and watch the full scenes Bennolim Beach and will be also will be you will be see the my this video. Okay, तो उसके बाद हम लोग एक और बीच जाएंगे जिसका नाम है ट्रिनिटी बीच। उस ट्रिनिटी बीच पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी खूबसूरत सा सीन है। बोलेंगे भाई हाँ यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत सा बीच है जो आज की इस वीडियो में दिखाया। तो चलते हैं हम लोगों को आज की इस वीडियो में किस प्रकार सा इंटरेस्टिंग एक अलग ही तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो आपने आज तक के मेरे अभी तक आपने उस वीडियो में नहीं देखे होंगे जो आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जो है अभी बेनौलिम बीच पर पहुंच चुके हैं और हम लोग यहां पर आपको बेनौलिम बीच के बारे में अगर बता दें तो आप मारगांव से भी यहां तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और हर गोवा में जितने मोस्ट पॉपुलर बीचेस है उनमें से यहां एक खूबसूरत सा बीच है बेनौलिम बीच, और उसी बीच पर हम लोग आज आए हैं। जहाँ पर हम अभी खड़े हैं यहाँ से आप देख सकते हैं बेनौलिम बीच से थोड़ा बाहर थोड़ा पार्क है जहाँ पर आप बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स भी है, आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स है, स्टॉल है, कपड़ों की दुकान है और कुछ आप देख सकते हैं मेरे पीछे नारियल के कुछ आपको फ्रूट्स मिलेंगे जो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से आपको अवेलेबल रहेंगे। रात में अगर रुकना है तो उसके लिए भी आपको इस प्रकार की यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ आपको बड़ी आसानी से मिलेंगी। तो अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे कुछ एक बोर्ड है, बीच में जा कर के अन्य सारी गतिविधियाँ आप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है बनाना ट्रिप या फिर पैरास्लाइडिंग या फिर और वहाँ से आप सीधा समुद्र के बीच में जा कर के आप वहाँ पर डॉल्फिन भी देख सकते हैं, जहाँ पर शाम के समय टूरिस्ट बैठ करके और भी आनंद उठाते हैं सूर्यास्त का और सूर्योदय के समय भी। तो इस प्रकार की गतिविधियां आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ बीच एक बाकी बीचों से भी थोड़ा अलग जैसा लग रहा है यहाँ पर आने के पश्चात। और भारतीय पर्यटक से लेकर के विदेशी पर्यटक आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत कुछ विदेशी पर्यटक है, कुछ भारतीय पर्यटक भी है, देख सकते हैं बहुत सारे शिप्स भी यहाँ पर देख सकते हैं जो ऊपर ला करके रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी चलते हैं समुद्र तट पर, एंट्री करते हैं और देखते हैं हमको बेनौलिम बीच पर हमको किस किस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं।
तो जैसे कि दोस्तों अन्य बीजों की तरह यहाँ पर भी आप बीन्स देख सकते हैं, बीज को साफ सुथरा रखने के लिए ये कदम बहुत ही अच्छा है जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मेरे बगल में ही आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं, अभी टूरिस्ट भी अंदर है, पर्यटक बहुत सारे आते जाते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकार की है कि रात के समय यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट का देखने का मज़ा ही कुछ और अलग प्रकार का रहता है, क्योंकि रात के समय यहाँ पर जो है मोमबत्ती जलाई जाती है, लाइट्स भी रहती है और उस प्रकार की नाइट लाइफ जिसे कहते हैं उस प्रकार की आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, उसका मज़ा कुछ और ही रहता है। तो परंतु आज हम सुबह के समय आए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाय, तो ये विदेशी मेहमान जो पर्यटक जो है हमें हाथ दिखा रही थी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे बगल में रेस्टोरेंट के अंदर का नज़ारा। यहाँ पर आपको टैटू बीटू बनाने का अगर किसी को शौक़ है तो उस प्रकार का भी आप टैटू बना सकते हैं। यहाँ पर टैटू बनाने का भी सुविधाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारों तरफ से बहुत ढेर सारे आपको विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन आपको यहाँ पर बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर टैटू कौन बनाता है? मैं बनाया। आप बनाते हो भाई, किस कितना रेट रहता है टैटू बनाने का? डिपेंड रहता है रेट यहाँ पे, ऐसा स्क्वायर इंच के हिसाब से रहता है तो वैसा प्लेन में रहेगा तो 350 में करते हैं। जैसा की अभी 3D इफेक्ट वाला भी होता है, 700 तक ऐसा चार्ज करते हैं। और सिंगल अगर नाम लिखना है तो किसी का तो डिपेंड है अपना साइज में, 1200-1500 के आसपास में हो जाता है। उसके साथ कोई डिजाइन भी बनाते हैं ना, तो डिपेंड हो जाता है। और कुछ बताना चाहोगे टैटू के बारे में? बोलो सर, आपको क्या चाहिए सब कुछ बता दें। तो अगर हमारे कोई भी व्यूवर्स बनाना चाहेंगे टैटू तो आप बनाएंगे यहाँ? बनाएंगे जरूर सर, आ जाओ, आपका एक्सपीरियंस तो हम कम में बना देंगे। दोस्तों अगर आप बनौली में कभी आए बीच पर तो इनके साथ टैटू अवश्य बना लेना, देख लेना। अपना इंस्टाग्राम भी आईडी है, उस पर देख लेगा तो आ जाओ, कॉल करके। नाम बताइए इंस्टाग्राम अपना। स्किन हक टैटू, यही है जो बोर्ड वाला ऊपर है। हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्किन वाला नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर नंबर भी देख सकते हैं आप अपना, उस हिसाब से आप इनसे कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर टैटू बना सकते हैं। अगर कभी भी आए तो इनसे भी टैटू बनवा लेना। तो दोस्तों आपने ताज एक्सोटिका नाम तो होटल सुना ही होगा, तो वह होटल भी आपको यहीं
बेनोलिम बीच पर ही देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको रास्ते में से कहीं पर थोड़ी दूर पर है। आपने आज की इस वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से बहुत ही हाई टेक लहरें जो है उछलती है, जो कि बहुत ही खतरा हो सकता है। तो जैसे कि दोस्तों, ये आपने जितनी भी नाव देखे हुए हैं जो मछली पकड़ने वाले हैं, वो ये सब मछली पकड़ने के लिए जाती है समुद्र के बीच में। तो अभी ये खाली बाहर है नाव, तो हम लोग थोड़ा इसके अंदर जा कर के देखते हैं कि किस प्रकार का रहता है इसके अंदर। तो हम लोग थोड़ा अंदर जा कर के देखेंगे ऊपर चढ़ने का कहाँ से है। तो हम लोग थोड़ा अंदर जा कर के देखेंगे कैसे रहता है अंदर। तो आप देख सकते हैं यह है मछली पकड़ने की नाव, और हम अभी नाव के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर इनके कुछ पाइप्स हैं, इसमें जाली नहीं है, जाली दूसरे नाव में है। तो ऐसे करके बैठते हैं, और बैठ करके अभी ये नाव भी हिल रही है के पानी में, समुद्र के बीच में जब जाती है तो तब ऐसे ही करके यह नाव हिलती रहती है। केकड़े आप देख सकते हैं समुद्र के अंदर मिलते हैं, जो कि डिज़ाइन वाले हैं, परंतु अभी ये बाहर किस प्रकार से है मेरे को पता नहीं है। तो इस प्रकार के केकड़े मर गया है, अब भगवान इनकी इसकी आत्मा को शांति दे। विदेशी पर्यटक आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ भारतीय पर्यटक भी आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर अभी ठंड का समय है और ये सर्दियों का समय है, तो मज़ा तो और भी ज़्यादा आता है, क्योंकि सर्दियों के समय ही सुबह सुबह आकर के, अगर मैं जिस प्रकार से वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह आकर के, ये इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि सुबह के समय ही क्लाइमेट थोड़ा अच्छा रहता है और धुंधला जैसा रहता है, और देखने में भी सीन भी, जगह का, स्थान का, इस स्थान का जगह भी देखने के लिए भी और भी अच्छा लगता है, स्वस्थ जैसा लगता है, जैसे कि नेचुरल जिस प्रकार से कहते हैं। आई टेल यू टूडेज एक्चुअली आई एम कम टू मॉर्निंग कम टू हियर दिस बेनोलिम बीच एंड आई एम मॉर्निंग कम एंड सी द ऑल दिस एरिया एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। सो मॉर्निंग कूल्ड मॉर्निंग बिकॉज सर्दियों के दिन है, तो ऐसे में मौसम भी बहुत ही बढ़िया अच्छा रहता है, जिस प्रकार का है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड फॉरनर टूरिस्ट आर मोस्टली हियर कम टू हियर एंड इंडियन टूरिस्ट विल बी ऑल्सो मोर एंड मोर एंड यू सी माई बैक साइड रेस्टोरेंट, एक्चुअली दिस इज़ अ शेक्स एंड more the people and going to these shacks and eating to anything foods and tea, coffee, but mostly people are here, Indian and foreigners are come to here and see that I don't know which talk to this table and all the foreigners are tourists are sleeping and enjoy the पर्यावरण एंड दिस इज़ अ टेंट आर मोस्ट न्यू कॉन्सेप्ट यू विल बी सी दिस हियर एंड यू विल बी आई एम लुकिंग टू हियर माई बैक साइड स्मॉल बेबी एंड दिस इज ही इज़ अ डैडी आई थिंक ऑल्सो एंड ही इज़ इंजॉइंग आर दिस स्मॉल वाटर। सो इस प्रकार की आप यहाँ पर देख सकते हैं, और
पानी का बहाव भी बहुत ही ज़्यादा है, मेरे पाँव के नीचे से नीचे तक आ गया, यहाँ तक पानी का बहाव आ रहा है। रेंट विल बी यू टेक टू बाइक एंड कम टू हियर। गोवा ऑल द बीचेस एंड दिस विल बी बीचेस बीच बेनावलिम बीच। सो यू विल बी अंडरस्टैंड मी बिकॉज आई विल बी इंग्लिश स्पीकिंग समथिंग स्पीकिंग बिकॉज माई वीडियोज आर लुकिंग ओनली नॉट फॉर इंडिया, माई वीडियोज आर लुकिंग फॉर वॉचिंग फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ऑल द वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड टूरिस्ट विल बी माई वीडियोज लुकिंग वॉचिंग। सो दैट इज़ द रीज़न फॉर आई स्पीक इंग्लिश, बट anybody my listening English, so you will be understand me because I'm not speaking for a properly English. So all the people tourist and all the people you will be see my this video and I speaking English, any grammar are miss wrong, so you will be understand me because I'm not for a professionally speaking English. तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जो है अभी ट्रिनिटी बीच पर पहुंच गए हैं। बीच खूबसूरत सा सुंदर, तो ट्रिनिटी बीच ऊपर तक देख सकते हैं, चारों तरफ से पेड़ और नारियल के पेड़ है, यहाँ पर साइड में से बगल में किनारे पर नारियल के पेड़ और अन्य प्रकार के पेड़ है ट्रिनिटी बीच पर। छोटा सा एक तालाब है और वहाँ पर एक विभिन्न प्रकार के फूल है जो एक बहुत ही खूबसूरत है, तो हमको ऐसा पहली बार जो है ट्रिनिटी बीच पर आने के पश्चात हमको यहाँ पर देखने को मिला आज की इस वीडियो में। तालाब में एक विभिन्न प्रकार के फूल जैसे कमल खिलता है उस प्रकार से पिंक कलर के एक देखने के पश्चात आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
और जो भी वीडियोस देख रहे हैं देखते रहिएगा, मिलेंगे हम एक आपको अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।